बसमिल रामीम आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक और मैं हूं नजरीन मोहसिन नकवी के कानों पर जो भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है किस तरीके से बेहतर करना है कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी परसों बल्कि शहबाज शरीफ अगर आप इस टीम की तशकी नौ कर गए तो ये आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा तो मोहसिन नकवी ने ग्रास रूट लेवल पर काम करने के अहकाम जारी कर दिए ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से काम हो रहा है मकामी कुछ जो प्राइवेट अकेडमीज बनी हुई है वहां पर चलते हैं वहां पर कुछ बच्चों से बात करते हैं कि आया पीसीबी

ये अंडर टेन है आपको ये नजर आ रहे बिल्कुल छोटे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है और ये क्रिकेट को करेंगे। कुं। कुं। क्या नाम है आपका नादे अली नादे अली क्या करते वैसे पहने में यकीन बैटर हो है ना लेफ्ट और राइट हैंड बैटर राइट हैंड बैटर राइट हैंड बैटर, बैटर। नादे अली कब ऐसी अभी क्या आपकी आठ साल आठ साल मतलब पाँच साल की खेल रहे हो और हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया अभी तक अभी तक 45. 45 45 हाईएस्ट है तो आपकी इस एज में और भी बच्चे हैं या बस आप सबसे छोटे अच्छा, मुझे ये बताओ GIC, गनी क्रिकेट, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको हर तरह से कर रहा है? जो चीज़ चाहिए होती है आपको मिल जाती है, हाँ जी, जो चाहिए होती है वो मिल जाती है अच्छा बैटिंग बॉलिंग प्रॉपर टाइम देते हैं

आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी सलमान बट साहब को देख के खेलना कितना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा वो बताते भी हैं? हाँ जी या सिर्फ बड़ों को दिखा बताते हैं वो नहीं हा? हमें भी बताते हैं वो अच्छा ठीक है और आपके जो कोच है, कितना का देते, है? देते हैं वो टू आवर्स देते हैं टू आवर्स फॉर बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों के लिए यस कब से कब तक होता है और ये जी ऑलराउंडर थे अब आपसे बात करते हैं क्या नाम है आपका Uh, अब्दुल हादी अब्दुल हादी आप क्या करते हो ऑलराउंडर हूँ ऑलराउंडर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो साथ फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म या राइट आर्म राइट राइट आर्म तो क्या बेस्ट फिगर रहा आपका टूर्नामेंट um, में yeah. वो एक कि... मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कितनी अच्छी बॉलिंग um, भी बहुत अच्छी थी अच्छा बैटिंग भी बहुत अच्छी थी अच्छा मुझे ये बताओ जीआईसी में किसी किस्म का आपको मसला है नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं जी आपको लग रहा है ये छोटे छोटे बच्चे है, इनके कोच से बात करते हैं इनके कोच हैं उनसे बात करते हैं कि जनाब आखिर कितना मुश्किल है इस एज ग्रुप के बच्चों को ट्रेन करना और ये जो सारी सूरत है उससे पता चल वालेकुम सर कैसे हैं अल्लाह शुक्र सर थैंक यू वेरी मच कि आप आए हमें कवर करने के लिए हाँ जी ये अंडर टेन का जो ग्रुप है इसमें बेसिकली हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है इनकी सेफ्टी पर्पस हमें सबसे पहले होता है क्योंकि ये नाजुक से बच्चे होते हैं इनको हमने देखना होता है कि इनको कोई भी ऐसी चीज़ हार्म ना करे जिनसे इनको नुकसान हो अंडर टेन में बेसिकली हम चलते हैं इनकी बेसिक ड्रिल्स के ऊपर कि कितना बच्चा टैलेंटेड है पहले देखते हैं कि इसका ग्रिप कैसे है स्टांस कैसे है कि वो बॉल की तरफ कैसे मूव कर रहा है उसकी फीट पोजिशन कैसी है हेड पोजीशन कैसी है इन पे जो बैटिंग ड्रिल या बॉलिंग ड्रिल कोई भी चीज होगा हम इस पर सारा बेसिक्स पे काम करते हैं और आप आप देख रहे हैं कि ये बच्चे वो बैटिंग ड्रिल्स है यहाँ पे अभी बॉलिंग ड्रिल शुरू हो जाएगी हमारे पास एक्चुअली इस अंडर में टू ग्रुप्स हैं सॉफ्ट बॉल एंड हार्ड बॉल और, बॉल। अच्छा। और ये बड़ी जीआईसी ये मतलब पाकिस्तान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा और भी होंगे लेकिन ये ऐसा है कि अंडर टेन में हार्ड बॉल के प्रॉपर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं ये आपस तो में और हमारे पास इस टाइम ऑलमोस्ट फिफ्टी के करीब स्ट्रेंथ है और इतने ही बच्चे हमारे पास सॉफ्ट इसमें एक चीज ऐड तो इनको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि इन्होंने अपने में क्या फेस की हुई हैं। तो वो, वो चीजें फेस ना करनी पड़े जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब का एक उन्होंने एम सेट किया। ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को प्रमोट करना है वकार ने भी यही कहा कि इन पर काम करने की जरूरत है फिर ही हमें एट दी एंड हमें बेंच स्ट्रेंथ हमें पता होगी कि हमारी क्या होगी इस एज से ही अदनान साहब किस तरह से ट्रेन आखिर करते हैं अली से मैंने बात ये भी छोटा सा बेड इसको टेक्निक कैसे पिक करेगा और यहां पर अगर बात की जाए यहां पे जो रूट लेवल है

और उसमें काफी हद तक हमारे पास अलहमदुल्ला जितने बच्चे आते हैं कुछ ना कुछ उनकी अवेयरनेस होती है क्रिकेट के हिसाब से क्योंकि आज सोशल मीडिया है टीवी आ, पे मैच इतने है, बच्चे इतना देखते हैं जिसकी वजह से खुद भी पिक कर लेते हैं और माशाला हमारे पास पार बच्चे जो ऐसे हैं वो खुद पिक करते हैं बातों को और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं जिसको सवाल मतलब जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है लेकिन ये अच्छी बात है हमारे लिए बिल्कुल जी और इस एज ग्रुप को सिखाना डेफिनेटली मुश्किल काम है अंडर टेन है इसके बाद अंडर थर्टीन का एक ग्रुप भी है उनके पास चलते हैं उनके कोच से देखते हैं कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आखिर बच्चों को उस लेवल पर कितनी मेहनत दरकार होती है क्योंकि वो एज ग्रुप है जिन्होंने आगे अंडर 16 और अंडर 19 के करीब होते हैं वो तो उनसे बात करते हैं अच्छा जी इस वक्त मैं जिस एज ग्रुप के पास मौजूद हूँ अंडर थर्टीन और अंडर सिक्सटीन एज ग्रुप है जिनको कोच कर रहे हैं सैयद उमर जावेद साहब असला वाल्मीम इनके बारे में बताता चलू कि पाकिस्तान में इस जगह पर मौजूद सलमान भट के अलावा उमर जावेद साहब है जिन्होंने लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री कोचिंग का जो कोर्स और इन्होंने आईसीसी से किया हुआ है ना कि पाकिस्तान से लोकल कोच और भाई दो तीन सवाल है छोटे छोड़ छोटे जिस तरह से मोसी नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी और अब अ, विद एवलेशन ऑफ बकार यूनिस साहब इन ये जो कॉम्बो बना है इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा उठाया है कि हमने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को प्रमोट करना है लेकर चलना है एंड तक ताकि हमें कुछ विजन क्लियर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास पूरी बेंच स्ट्रेंथ हो सबसे पहले तो बताइए कि ग्रास रूट लेवल पे ये प्लेटफॉर्म जो है ये किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों को देखिए यहाँ पे हमारे पास बच्चे हर एज ग्रुप के आ रहे हैं फ्रॉम द अंडर अंडर एंड एज वेल और वो बच्चे हमारे पास समझे फ्रॉम द ग्राउंड जीरो से आते हैं और उनको हम लोग की बेसिक्स जो उनकी ड्रिल्स हैं उनकी ट्रेनिंग है हम उनके उनको सिखाते हैं उनको बताते हैं कि किस तरह आप लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अपने आप को तैयार कर सकते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर के आगे अंडर नाइनटीन अंडर सिक्सटीन उन्होंने जो भी क्रिकेट आगे खेलनी फॉर द पाकिस्तान से उसको बेहतर इंप्रूव करने के उसको इनको बेहतर इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम करते हैं कोशिश करते हैं उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे हमारी प्लान यही होता है हम हमारे इंस्टीट्यूट इसी वजह से बेहतर है कि हम उन बच्चों के उनके ग्रास रूट उनके इंस्टीट्यूशन उनकी बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा बेहतर करनी बहुत सी ऐसी अकेडमीज मैंने देखी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं महाना फी ले ली जाती है लेकिन उनको कोई उस तरह से उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट से कोई आगे तक भी गया है, कोई एक नाम जिसको आप एक रोल मॉडल एज इन बच्चों के सामने रख सकें Uh, देखें अभी हमारे पास बच्चे हमारे अंडर 16 के हैं जो हाँ। बच्चे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले दे हैव रियली रियली वेल जिसमें हमारा एक बच्चा है एक मोहम्मद अहमद बलटका है एंड ही इज हीफॉर्म रियली दो साल से हमारे साथ खेल रहा है वो बच्चा और उस बच्चे ने स्टार्ट किया है और अब राइट नाउ ही इज वेरी गुड तीन मैच में कोई दस आउट कर दिया था लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है एंड ऑफ द डे कि वो परफॉर्म तो कर लिया लेकिन आगे फिर उनको पुष्ट नहीं मिली वो फिर उनको चांस नहीं मिला तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं टू हमारे अगर आप अकेडमी ले लें या क्लब लेवल दे अच्छा बट डू यू थिंक के जो पाकिस्तान कि इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ नहीं है आजा के हमारे पास आंखें बंद करें तो वही पंद्रह खिलाड़ी सामने नजर आते हैं जिनको बार-बार मौके मल्टीपल टाइम्स उनको चांसेस दे दिए गए लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आपके नजदीक इस टाइम क्या फ्लॉ नजर आ रहा है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ खत्म हो गई असम में दे डोंट रिलाई ऑन द बेंच जो एक पीछे बैठी हुई है हमारे पास बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वे देयर परफॉर्मड रियली वेल एक मोहम्मद हुरेरा का नाम लिया आ, मैंने वो ही इज परफॉर्म इन वेल उसकी परफॉर्मेंस आप देख ले वो उस लड़के को आपको बाहर बिठाना ही नहीं चाहिए उसने इतनी परफॉर्म आई थिंक नाइन मैच खेला हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस आगे तक जा रही है और उसके नाम भी दिखाई जा रहे हैं मोस्ट रहा है, uh, है uh, 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 उसको उसको करना चाहिए चाहिए खेलना भी चाहिए। ऐसे प्लेयर को जरूर खिलाना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा होता है और उसको जब परफॉर्मेंस के बाद जब, जब जगह ना मिले उसको टाइम ना मिले फिर वो परफॉर्मेंस नहीं मैटर करती है उसकी उसके बात जब एक बंदे को पांच मैचों में बाहर बैठा देंगे तो बच्चा परफॉर्म कैसे कर सकेगा दिखा कैसे सकेगा शो द वर्ल्ड के परफॉर्म कैसे अच्छा एट दी एंड सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिएगा क्या सजेस्ट करेंगे बट वुड यू सजेस्ट पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए एक ऐसा पॉइंट कि इस पर अगर काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानब जा सकती है आई थिंक इन सारों को अपनी ग्रास रूट लेवल को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा हमारे नीचे लेवल पर जब हम लोग बेहतर नहीं होंगे तो हमारा ऊपर वाला लेवल बेहतर नहीं होगा इवन इस स्कूल uh, कॉलेज ये क्रिकेट हमारी बेहतर होना बहुत जरूरी है जब तक हम इसको तो ठीक नहीं करने लगेंगे तो हमारे ऊपर वाले की कोई किसी जगह पर हम लोग परफॉर्मेंस हमारी मैटर नहीं कर सकते ठीक है जी विश यू गुड लक इन बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जी जी इन यही वो बच्चे होंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे अब अगले इस एज ग्रुप की तरफ चलते हैं देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन इस प्लेटफॉर्म से कितनी है आइए आई जी थोड़ी सी बात करते हैं रेहान साहब हैं सीनियर कोच हैं यहाँ पर इस वक्त जो कि अंडर 19 अंडर 17

उस गैप को कवर करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से किस तरह से बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं कि वो जो गैप आ गया है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उसको कवर किया जा सके जी थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आप यहाँ आए गए इंस्टीट्यूट में देखिए हमारी ओवरऑल कोशिश यही है कि यहाँ पे जो लड़के ग्रूम हो रहे हैं ना इस्पेशली जो फास्ट बॉलर हैं उबैद शाह यहाँ से गए हैं रिशान यहाँ से गए हैं जो पाकिस्तान अंडर नाइनटीन खेलें वो फिज़िकली टेक्निकली मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो किसी भी लेवल पर जाके परफॉर्म कर सकें अगर बॉलर टेक्निकली राइट होगा क्योंकि हमें ऊपर जाके जो इशू आ रहा है वो सारा इशू यही आ रहा है कि फिटनेस का है टाइम कहीं वर्कलोड का इशू होता है सम टाइम कहीं टेक्निकल इशू होता है जो उसको एक मसल रॉन्ग वे में हिट हिट कर करके हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे बेस को इतना करें जिस लेवल पे भी, भी बर्दाश्त कर सके अच्छा की, की, की बड़ी बात की जा रही है आजकल पीसीबी मैनेजमेंट में भी वर्क लोड मैनेजमेंट इन प्लेयर से नहीं हो रहा है शाहि को रस देने का सोचा जा रहा है नसीमशा की इंजरीज के कुछ मामला रहे हैं तो ये किस तरह से इस लेवल पे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना सर इसको देखें आजकल की जितनी क्रिकेट हो गई है लीग क्रिकेट आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट का इतना लोड है टेस्ट क्रिकेट है वनडे है टी ट्वेंटी है डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं फिर प्लेयर लीग भी अब ये इंटरनेशनली जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज कर रहा है कि एन नहीं दे रहा हम यहाँ पर कोशिश करें अगर लड़का टेक्निकली राइट होगा बायोकैनिक बायोमकैनिकली उसके मसल अच्छी तरह वर्क कर रहे होंगे जो रिक्वायर

कि किस तरह से ये सारे एज ग्रुप मैनेज कर रहे हैं और ये जो कोचेज रखे हैं लेवल 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 थ्री उन्होंने किए हुए हैं किस तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ये बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आए चलते हैं सलमान भट्ट के पास और अब बारी है जी हमारे प्रोग्राम की जान सलमान साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो कि इस इंस्टीट्यूट के करता दत्ता है डायरेक्टर क्रिकेट हैं इनकी सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा है जितने भी कोचिज से बात की हमने जो वो लेवल गिनवा रहे थे सलमान भी उनसे ज़रा एक लेवल अब है सलमान भाई से जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है क्योंकि बट सब हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल जब तक यहाँ से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती बेंच स्ट्रेंथ बनेगी तो यहाँ से ही बच्चों की ग्रूमिंग होगी तो ही बेंच स्ट्रेंथ बनेगी असल सलमान भाई वालेकुम वालेमान भाई आज हम आपके पास आए हैं हमने ये सारा इन्वयरमेंट देखा है जिस तरह से बच्चों को फेसिलेट किया जा रहा है अंडर टेन एज ग्रुप से लेके अंडर सेवनटीन नाइनटीन तक सिक्सटीन में जाके सारे कोचिज से बात की रेहान साहब हैं जो कि अंडर किन एशिया कप को कोच कर चुके हैं इंटरनेशनली भी कोच कर चुके हैं और उमर साहब से बात की उन्होंने भी लेवल, वन, लेवल टू लेवल थ्री कोचिंग थीज़ी की वो किया हुआ है और आई से।, से बिल्कुल तो किस तरह से ये सारा आप मैनेज कर रहे हैं और क्या एक मैसेज देंगे हायर अथॉरिटीज को कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं देखिए सबसे पहले तो अस्त फिर कोई इनसे स्टेप हायर नहीं हूँ इट्स जस्ट दैट कि बीइंग मोर एक्सपीरियंस्ड आप अपने एक टीम जो है उनको अपनी जो गाइडेंस है वो आप देते हैं और ये एक प्रॉपर टीम वर्क की तरह चलता है और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि इंस्टीट्यूट में टीम बहुत अच्छी है और लड़के जो हैं जो कोचेज हैं ये कॉम्पिटेंट भी हैं और ये बड़े पैशनेट हैं टू डिलीवर और देखिए राइट एज यही है कि आप स्टार्ट करें बच्चे को अंडर टेन से आप कभी इनका मैच देखें इन बच्चों की गेम अवेयरनेस कई टॉप प्लेयर से बेहतर है दे टॉक अबाउट द पिच दे टॉक अबाउट द सिचुएशन अब क्या करना है मैच कैसे जीतना है फील्डिंग किधर लेनी है तो ये जब इतनी छोटी है इसे बच्चों में ये सोच इंस्टिल हो जाएगी और फिर हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लीडरशिप का एस्पेक्ट भी रखते हैं जिसमें हम इनको ड्यूरिंग द गेम हम इनको ये नहीं कहते कि इसको ओवर ये फील्ड ले लो ये ऐसे कर लो लोच से पहले बात होती है और मैच के बाद बात होती है और hmm. बीच में इट इज अप टू द कैप्टन कि वो क्या करता है उसकी अपनी इंस्टिंगटिव डिसीजन मेकिंग जो है हम उसके ऊपर एलाय करते हैं एंड दिस इज हाउ यू अल्लाह पीपल के जहाँ पर वो फैसले करें सही करें गलत करें वो बाद में एनालाइज hmm. करना है लेकिन देन दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस के वो जो चार हैं उनके जहन में जो अल्लाह की तरफ से आइडियाज आ रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें और ऐसे ही आप लोगों में डिवेलप करते हैं लीडरशिप और आपको इसमें कैप्टनस के मिलने का चांस भी होता है तो एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें तमाम एज ग्रुप्स हैं ये मंथ्स में अपनी कह लें कि हर बच्चा चार से पाँच मैच खेलता है मंथ में इनके अपने टूर्नामेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ हमारे ने, नेट्स की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि इसमें सर्टेन डेज ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप आउट होंगे तो जो दो बैट्समैन खेल रहे हैं वो दोनों भाग के दस रन लेंगे तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि अपने आउट नहीं होना तो जब बैटर के जहन में ये चीज आ रही है छोटी एज में कि अपनी विकेट की प्राइस को होल्ड करना है अपनी विकेट की हाई वैल्यू है तो फिर वो प्लेटफॉर्म जिसपे वो बिल्ट होता है उसके बेसिक्स बड़े स्ट्रांग होते हैं क्योंकि जवान साहब विकेट पे मौजूद हैं शॉट मेकिंग एज के साथ साथ आप सीखते हैं, आपकी में ताकत आती है, आप प्रोड्यूस करें बैट्समैन रन करें और बॉलर जो है वो विकटे लेने वाले हों और बॉलर्स विकेट तब लेने वाले हों जब बैट्समैन कोई को जल्दी ना हो यानी कि उन्हें विकेट को कंस्ट्रक्ट करना आए कि फंसाना कैसे है, इसके ट्रैप कैसे करना है बैट्समैन को और इसी में फिर ये जो कैटन माउस है ये प्लेयर्स का जो गेम अवेयरनेस है और उसका जो क्रिकेटिंग का है, है वो डेवलप करती है फिटनेस पे यहाँ पे बहुत काम होता है उसमें हम आपको जिम भी लेकर जाएंगे और इनके आउटरेट आउटडोर की जो ट्रेनिंग है फील्ड ट्रेनिंग है वो भी दिखाएंगे हम कार्डियो ट्रेनिंग के साथ साथ इंड्योरेंस के अलावा पावर ट्रेनिंग पे भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है इनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन पर फोकस है हमारे बच्चे हम उस तर्ज पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक के टाइमों में पाकिस्तान में वो

सेमीफाइनल में 400 सौ रन बनाए और बारिश हो गई और फाइनल में नहीं जा सके 430 प्लस रन बनाए थे सो अ फैंटास्टिक फर्स्ट सीजन ग्रेड टू में अपनी टीम है ग्रेड वन में अपनी टीम है सारी एज ग्रुप्स है पाथवेज हैं कोई क्रिकेट का एस्पेक्ट ऐसा नहीं है

और ये वो सारे सिनेरियोस थे जिनको बेस बना के पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है उसको मजीद ब्राइट किया जा सकता है और इसी तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ चलती जाएगी मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज